So hi everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time our channel, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. So let's start the video. Today's video's topic is an integrated course on M-Pharm and MBA. The course name is M-Pharm and MBA, M-Pharm plus MBA integrated course. The duration of this course is 3 years. Okay, kaisa hai ye course? क्या हम लोगों को ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो आप सब सोचते हो कि कैसा है ये कोर्स अगर पता लगता हम लोगों को बिफोर टेकिंग एडमिशन, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एडमिशन लेने के बाद और कोई फ़ायदा नहीं ये वाला वीडियो देखकर, क्योंकि आप ऑलरेडी एंटर हो चुके हो एंड रिमेंबर द फीस इज़ 10 to 12 lakh, मतलब 3 lakh हो सकता है एक ईयर का फीस हो। तो इसलिए सोच समझ के बिफोर एडमिशन इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जो भी बी फार्म पास आउट से, उनके साथ शेयर करो, ताकि बिफोर एडमिशन उनको इस कोर्स के बारे में पता लगे। ओके, मैंने रिसेंटली एक और भी वीडियो बनाए हैं बी फार्म प्लस एमबीए के बारे में, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आपके बी फार्म कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू हैव ऑप्शन फॉर एम फार्मा और फार्मा एमबीए और जनरल एमबीए और एनी फार्मडी पीबी। दिस कोर्स इज अबाउट एम फार्म एंड एमबीए इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेडली आपका दो कोर्स, एक्चुअली दो पीजी कंप्लीट होगा इंटीग्रेटेड कोर्स में, मतलब आपका एमफार्म भी कंप्लीट होगा, एमबीए भी कंप्लीट होगा। तो साइड बाय साइड अगर आप देखोगे पॉजिटिव वे में, तो आपका दो पीजी कंप्लीट हो रहा है 3 साल में, जो अगर आप अलग अलग करोगे तो 4 साल लगेगा, जिसके लिए एमबीए के लिए भी 2 साल और एमफार्म के लिए भी 2 साल, लेकिन यहाँ पे 1 साल आपका लेस जा रहा है, 1 साल कम हो रहा है आपका। 3 साल में आपका दो कोर्स कंप्लीट हो रहा है पॉजिटिव वे में अगर आप देखोगे तो, राइट? ये बात तो सही है, लेकिन फीस इज़ ह्यूज, बहुत ह्यूज फीस है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस फीस को, अब लोन लेने के सोच रहे हो, तो बिल्कुल मत जाओ इस कोर्स को करने के लिए। तो पहले तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये कोर्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बस NMIMS पे अवेलेबल है, जो नरसिम्हमुंजी इंस्टीट्यूट है एंड इट्स अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड फेमस है। मैनेजमेंट कोई भी कोर्स करो, NMIMS सबसे टॉप पे रहेंगे, आप किसी भी रैंकिंग में चले जाओ, ठीक है? तो बहुत फेमस कोर्स है एंड इसी कॉलेज में ये अवेलेबल है, बी फार्म एम बी ए, एम फार्म एम बी ए। एंड इस कोर्स का जो पूरा नाम है वो है एम फार्म प्लस एम बी ए फार्मा टेक एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। मतलब आपका जो एम फार्म है वो फार्मा टेक में होगा, मतलब एक्चुअली फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे आपका होगा एम बी ए। ओके, ये है पूरा कोर्स का नाम। इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज वांट्स टू डू बोथ दिस कोर्सेज, लाइक इंटरेस्टेड है एम फार्म के लिए भी और एम बी ए के लिए भी, मतलब वो मैनेजमेंट कोर्सेज, मैनेजमेंट जॉब्स के लिए भी इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट में भी जाना है उनको, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जाना है, एंड दे वांट्स टू परस्यू एम फार्म ऑल्सो साइड बाय साइड। तो इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि 3 साल के अंदर आपका एम फार्म भी कंप्लीट हो जाए, एम बी ए भी कंप्लीट हो जाए, इंडस्ट्रियल नॉलेज भी आपके पास आ जाए, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी मतलब इंडस्ट्रियल नॉलेज, उसके साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सब कुछ नॉलेज आपको एक साथ मिल जाए 3 साल में। ये कोर्स को, एक कोर्स करने का ऑब्जेक्टिव मेनली यही है, राइट? अब इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है बी फार्म विथ 55% मार्क्स एंड एडमिशन आपका NMIMS में NMAT के थ्रू होता है, अदरवाइज GPAT, CAT, MAT ये सब एग्जाम्स भी हैं, फिर भी यू कैन एंटर इन टू द NMIMS। अब एम फार्म के लिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हो, लेकिन एम बी ए में नहीं होगा। एम फार्म स्पेशलाइजेशन क्या है? फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है? इन स्पेसिफिकेशंस में आप चूज कर सकते हो एंड उसके साथ साथ हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये आपका कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है एंड इसका एडमिशन प्रोसेस भी अभी चल रहा है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। आपको NMIMS के वेबसाइट पे जाके या इसको डिटेल्स चेक कर सकते हो, राइट? ओके, एज आई सेड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो। अब ये सारे प्रोज हो गया, अब कॉन्स की बात करते हैं, नेगेटिव साइड्स की बात करते हैं। नेगेटिव साइड्स क्या क्या है? प्रेशराइज्ड बहुत है कोर्स, मतलब 3 साल पे आपको इतने सारे कुछ चीज़ें करने होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत अंडर प्रेशर काम कर सकते हो, सीख सकते हो, तब फिर ठीक है, नहीं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको साइड बाय साइड मैनेजमेंट सीखना होगा, साइड बाय साइड आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एम फार्म के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना?
बहुत प्रेशराइज्ड है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस नॉर्मली जैसे कि मैंने कहा एम फार्म और एम बी ए, इसका एडमिशन प्रोसेस होता है NMIMS के पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है। PI राउंड और GD राउंड होता है, नॉर्मली PI राउंड होता है, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे एंड मेरिट कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एज वेल एज बी फार्म के स्कोर एक्सेट्रा सब कुछ देख के यहाँ पे होते हैं नॉर्मली। एंड पर्सनल इंटरव्यू जो होता है मुंबई कैंपस में होता है, कम्युनिकेटेड किया जाता है, कॉल लेटर दिया जाता है, एंड काउंसलिंग जो होता है वो भी मुंबई कैंपस में ही सिर्फ होते हैं, राइट। तो आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है, बाकी आप डिटेल्स देख सकते हो। अब सेकेंड नेगेटिव साइड की बात करें, पहले तो हमने बात कर लिया जो कोर्स का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक विद इन 3 ईयर आपका इतने सारे सिलेबस, इतने सारे आपको रिव्यू आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, थीसिस, प्रोजेक्ट्स, इतने सब कुछ बनाने होंगे एक्चुअली ऑन बोथ ऑफ द कोर्सेस। दूसरा जो नेगेटिव साइड है वो है कि बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे रिक्रूटर्स है, दे डोंट प्रेफर दिस इंटीग्रेटेड कोर्सेस, उनके हिसाब से ये जो करते हैं वो सब कुछ अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, लाइक कहीं कहीं पे गैप रह जाता है उनके एडुकेशन में, एंड दिस इज़ समवेयर ट्रू। लाइक हो सकता है आप इस मैनेजमेंट करने जा रहे हो, इंटरेस्टेड लग रहा है आपका, तो एम फार्म का सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, एम फार्म का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट छूट रहा है, ऐसे हो जाता है, गैप हो जाता है। तो एक्चुअली कंपनीज को क्या चाहिए कि आप एम फार्म हो, R&D जॉब के लिए आ रहे हो तो एम फार्म को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, मैनेजमेंट जॉब के लिए फार्मा MBA को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, या फिर जनरल MBA जिसने सिर्फ किया है विद बी फार्म। आप दोनों साइड में आ गए हो ना, तो एक तरीके से आप ओवर क्वालिफाइड हो, मतलब आप सबसे आगे हो क्योंकि आपने दोनों ही सीखा है, लेकिन एक तरीके से आप लोग पीछे भी हो क्योंकि आपने सभी थोड़ा थोड़ा सीखा है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपने डीप नॉलेज नहीं किया है। एंड मास्टर्स इज़ ऑल अबाउट दिस, मास्टर्स का मतलब ही है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में डीप नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट भी कुछ खास आपका होगा नहीं इसके बाद, नॉर्मली वही सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स जो आपको बी फार्म के भी बाद में मिल जाएगा, नॉर्मल आप MBA करते हो या फिर फार्मा MBA। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, पर्सनल मेरा सजेशन आप सबके लिए रहेगा कि इट्स बेटर टू डू आइदर एम फार्मेसी फ्रॉम एनी टॉप इंस्टीट्यूट, अगर आपका इंटरेस्ट फार्म में ही है, एम फार्म में ही है, ठीक है ना। अदरवाइज़ यू कैन गो फॉर द फार्मा MBA डायरेक्टली, क्योंकि ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे, तो डायरेक्टली ये फार्मा MBA है भी नहीं, तो कहीं ना कहीं पे जो फार्मा MBA स्टूडेंट्स होंगे मैनेजमेंट पे उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आपके सारे एरियाज़ में कंपिटिटर्स जो हैं वो ज़्यादा है, एंड उनके लाइक चांसेस है उनके मिलने का ज़्यादा आपसे, एक तरीके से देखा जाए तो, एक तरीके से आपका ज़्यादा है, एक तरीके से वो है। आप कैसे आप देखोगे ये आपके ऊपर है। एंड जैसे कि मैंने कहा प्लेसमेंट भी उतना खास नहीं है, बस सेल्स मार्केटिंग के जॉब से आपको मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 3-4 लाख और 5 लाख आना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। एंड बहुत प्रेशर एक कोर्स है, प्रेशराइज्ड कोर्स है, लेकिन हाँ अगर आप वेरी मच कॉन्फिडेंट हो कि यस आई कैन डू दिस कोर्स, मेरे पास 2 डिग्रीज होंगे, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा इसका पॉजिटिव साइड देखो, 3 साल में आपका 2 PG कंप्लीट होगा, यू कैन राइट बी फार्म MBA एंड ऑफकोर्स एम फार्म आफ्टर योर नेम, तो ये एक अच्छी बात है, राइट। तो आप चूज़ करो अच्छी सोच समझ के, क्योंकि ये आपके ऊपर है, आपकी लाइफ की सवाल है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर आपका पर्सनली सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन कहीं पे मैसेज कर दो, बेटर आप फेसबुक पे मैसेज करो, वहाँ पे मैं फ़िलहाल ज़्यादा अवेलेबल हूँ, एंड इंस्टाग्राम पे भी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।